हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर बुधवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कालका पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने गांव खेड़ा वाली लेही के सरकारी स्कूल में भाजपाइयों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां कालका पिंजौर के समस्त भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा कालका कॉलेज ग्राउंड को सभी के लिए खोले जाने, पिंजौर धर्मपुर स्थित प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए बैठने की जगह कम होने, संस्कृत मॉडल स्कूल और लड़कियों के लिए कॉलेज खोले जाने जैसे मुद्दों को गंभीरता से सुना और उनका जल्द से जल्द हल करवाए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान गुर्जर विपक्षियों द्वारा 3 कृषि कानून को लेकर किए जा रहे सवाल व प्रदर्शनों के बारे में भी जमकर बोले। इस अवसर पर भाजपा से कालका विधानसभा से पूर्व विधायक लतिका शर्मा, संत शर्मा व्हाइट हाउस, संजीव कौशल और जेजेपी से भाग सिंह दमदमा व पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संजीव कौशल कौशल जी, संतराम शर्मा जी, विजय कालिया जी, सुनील दीमान जी, भवनजीत जी, हमारे मंडल अध्यक्ष कालका राताराम जी, मंडल अध्यक्ष पिंजौर सुनील चौधरी जी, सरपंच खेड़ावाली धर्मवीर जी, सरपंच जिला मेंबर जिला प्रसिद्ध जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों व अन्य सभी पार्टी के पदाधिकारी, बहुत लंबी बातचीत आपके सामने सारी रखी। भाई और बहनों, आज कल एक बड़ा भारी एक विषय चल रहा है, किसान आंदोलन। वैसे तो आपके हल्के में कोई इसको समर्थन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शंकाएं तो आपकी भी होंगी, क्या सौदा है क्या नहीं है, क्योंकि पूरे देश को भकाने में एक इतना बड़ा मामला चल रहा कि जो चीज फायदे की थी ना, अभी मेरे से प्रेस वाले पूछ रहे थे कि भाई आपने समझाया क्यों नहीं, मतलब जरूरत नहीं थी यार, जरूरत तो इस बात की थी कि घी के देवे बढ़ेंगे, मारा माड़ा ही माड़ा पड़ेंगे, इन्हें इस पर आंदोलन कर दिया, जहां मतलब आंदोलन जैसी कोई चीज थी नहीं। आप बड़े आदमी है, आप पकड़ो इस बात पर, मैं तो नहीं डरता। तो हमने कह दिया कि अगर नहीं टाओगे तो चीज उसी की हो जाएगी, हरी नृत्य फिर तो अपना तार ले जाए, अगर नहीं तारागा तो एक महीने के बाद वह किसान की हो जाएगी। दूसरी बात, पहले क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना जरूरी था, पर हमने कह दिया अगर मौसम में चेंज आ गया, मौसम को किसान के हाथ में बचेगे, ओले पड़ गए हमारे हाथ में, पाला पड़ गया हमारे हाथ में, ज्यादा बारिश होगा गड़ गया हमारे हाथ में, हमने कह दिया कि अगर मौसम में कोई परिवर्तन होगा तो किसान बात देनी है तेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वास्ते, तो कोई पेनल्टी उसका नहीं लगा सकता। दूसरा, अगर चीज के रेट बहुत बढ़ गए, मान लो टमाटर लगा रखे सौदा तो करा था 30 रुपए में, और टमाटर है 100 रुपए, तो फिर उसमें से हिस्सा तुझा उस पर भी देना पड़ेगा, खाली तो केला नहीं कह सकता हमने, हमने वो कानून बना दिया। तो और दूसरा हमने क्या करा इसमें कि भाई अगर कहीं ऐसी बात हो, जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहे तो जिम्मेदार किसी टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, उसने उसका खर्चा देना पड़ेगा जो उसने खर्चा दिया उसने फसल उगाने वास्ते, उससे ज्यादा कुछ नहीं, पर अगर वो तोड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर तोड़ेगा तो उसने 1.5 गुना देने पड़ेंगे। हमने तो कानून ही तो बनाया, किस वास्ते बनाया, क्योंकि तब ने हम बनाए रखे, कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं बनाए, हम आपने बनाए, तो हम आपकी चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमने वो चिंता कर दी, और हमने कह दिया कि भाई ये नियम हमने बनाए दिए, इसमें और भी है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहो तो कर लो, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आज ऐसी भी है, जितनी टमाटर की फसल आज आप ले रहे ना, इससे 4 गुना फसल भी मिल सका, ऐसे बीज भी है दुनिया में, प्रथम तो ले सकते, लेकिन अब बड़ा आदमी है ले सका नहीं ले सका, वो कहेगा वैरायटी अच्छी है तभी यह लगाओ, हैं तू जा भी फायदा मुझे भी फायदा, कर सको नहीं कर सको, बहुत चीजें ऐसी जो आज दुनिया में है, आज बहुत बढ़िया तो कर सका वो, तो हम चाहेंगे मारे किसान की आमदन बढ़नी चाहिए, और नहीं क्या कह रहे शेर, ने कह रहे थारी जमीन पर कब्जा कर लेगा, किकर कर लेगा, क्यों भाई तुमने लगाया और डाणी कब्जा कर लेगा, इसका बापू भी नहीं कर सकता, थारा ही गोभी पे करके देख लो, इतना बड़ा पहलवान है सारे हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर लेगा, कितना बड़ा झूठ बकाने का ठेका ने ले रखा, और फिर उस पर क्या कहे, क्यों कह जी जहां भी तुम बोलोगे हम प्रदर्शन करेंगे, क्यों भाई जब थारी बात सच्ची तुम भी कह लो हम भी कह लेंगे, तुम भी कहो हम भी कहेंगे, तो इसका मतलब जो आदमी रोक रहा बोलने से वो झूठा नहीं है, पक्का 100% झूठा, इसी रोक रहा हो,
अब तो आपने कितनी बार देखी हमें एक बात नहीं थे कह रहे भाई इस बिल के ऊपर बातचीत करो गपोड़ो पर नहीं बात करो हमने कह रहे कि भाई आप बिल के ऊपर बातचीत करो यो बिल थारे सामने दे रहा इसमें बताओ कहां कमी बोला ना रद्द करो इसने अरे बोला रद्द तो जीप करा तो बता दो तो किसी की बात नहीं मानते भाई और जो कम्युनिटी हाल की बात भी ने कही तो उसकी भी कम्युनिटी हाल की तो मैं पहले ही आ कर रहा हूँ करवाई दूंगा मैं पर स्कूल वाले में कुछ नॉर्म है उन नॉर्म में कुछ छूट देगा अगर जिस प्रकार से भी होगा तो करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। लोकहित एक्सप्रेस के लिए कालका से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।